अस्सलाम वालेकुम यार। आज हमारे शेरी भाई की शादी थी और उनको हम बारात के बाद उठा के ले आए हैं। ये हमारे शेर अली साहब बैठे हुए हैं। सर कैसे दस रहा है आपसे? बहुत अच्छे। टाइम अभी क्या हो रहा है? सर अभी तो डेढ़ तकरीबन डेढ़ हो रहा है। और घर किस टाइम तक जाना है सर? कोई 4 बजे तक। भाभी इंतजार तो नहीं कर रही? नहीं नहीं कर रही ना, इन्होंने मुंह से बोल दिया जी आप इंतजार नहीं कर रहे। समीर सर क्या कहेंगे आप? सर इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे, हमारा मूड है कि मुनाल जाए या मरी जाए। अच्छा, उसके बाद फिर इनको इंशाल्लाह सुबह फजर के टाइम उतारेंगे। जब तक वो सोती नहीं है तब तक हमने साथ रखा है। सैयद हमारे बैठे हुए हैं जी, बारहशाह जी हमारे, अरशद अली शाह बुखारी साहब, इनको 105 बुखाता, 2 ट्रिपें लगी हैं इनको और अभी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मुंह देखें जी, मुंह देखें। सही साहब मुँह अच्छा आ रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? किधर लेके जा रहे हैं हम इसको? अच्छा टाइम बताइएगा कब तक छोड़ना है इसको? जब तक इंशाल्लाह फजर के बाद। हाँ, जब तक वो सो नहीं जाते हैं। और हमारे उसामा भाई जिनका फोन मेरे हाथ में है इस टाइम, वलीमे के टाइम पे हमारा, हाँ वलीमे के टाइम पे इनको उतारेंगे, ये भी ठीक है। ये जी हमारे उसामा भाई, इनके जो कजन भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि हमने किया क्या इनके साथ और अभी आगे क्या होने वाला है इनके साथ। सर इस बंदे को नहीं छोड़ना उस टाइम तक जब तक इसकी फट के हाथ में ना। अच्छा, उस टाइम तक नहीं छोड़ना इस बंदे। हाँ, तो जब तक शेरी साहब आपकी फट के हाथ में नहीं आती, आपने जब तक अलार्म नहीं बजाना, हमने आपको नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। चीप ही होगी तो तब छोड़ेंगे। हमारे हाथ आने वाला कोई नहीं, आज आ गया तो ये आज आ गया टोटल, आज टोटल पूरा करेंगे क्योंकि इसके बाद इसकी शादी है, कमरे से बाहर इसमें निकलना नहीं है। जितना ये है रन मुरी या जन मुरी, ये ड्यूटी से पहले, सर आपको पता नहीं है ये शादी से पहले कितना मसरूफ है। जब से इसका निकाह हुआ था इसने ज़रा टाइम हमें नहीं दिया, मतलब निकाह के बाद 2 दिन सिर्फ हमारे घर आया, सिर्फ 2 दिन। और अभी इसका ये हाल है कि हमने पकड़ लिया है और सारे कसरे आज निकालेंगे क्योंकि आज है इनकी सुबह 4-5 से पहले तो नहीं छोड़ा। 4-5 से पहले तो कभी भी नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल है। वो क्या था, कोई नफल सेवल पढ़ने आया? पढ़ के आयो चलो चलो घर जाके, चलो फैसल मस्जिद जाके, हाँ फैसल मस्जिद जाके नफल पढ़ाते हैं इनको भाई को। समीर साहब जी बिल्कुल, मिलते हैं भाई लोग आपसे फिर फैसल मस्जिद में। टिल देन पीस आउट। जी तो भाई लोग यार सीन कुछ इस तरह के हैं कि हम इसको लेके इस्लामाबादी रोड पे आ चुके हैं। शेर अली साहब पीछे बैठे हुए हैं, रोला कब से डाल रहा है घंटे से कि ऐसे हो गया वैसे हो गया ये वो है, मैंने जाना। लेकिन आपको पता है इन्होंने वीडियो के शुरू में ही कह दिया कि जहाँ मर्जी ले जाओ, कोई चक्कर नहीं है, इसलिए हम इसको लेके आ गए हैं। और अब सीधा आगे हमारे फैसल मस्जिद है, आपको विद इन 2-3 मिनट्स हम आपको पहुँचाएंगे फैसल मस्जिद में, और उसके बाद आपको बता दें क्या कैसे क्या करना है। शेर रोला तो नहीं है? हाँ अच्छा, इसके देखा दिखाइएगा, शेर को दिखाइएगा, शेर को दिखाइए। नजर आ रही है शेर साहब? कैसे हैं आप? थोड़ा बहुत नजर आ रही है, लाइट लगा दो। स्टार चौन के चीज ये जी अपने शेरी भाई हैं। ये जी शेरी भाई, लाइट लगी। ये जी शेरी भाई हैं। सर कैमरा शिफ्ट कीजिएगा, रोड भी दिखाएं हम अपने नाज़रीन को। तो भाई लोग ये बैक कैम से आपको व्यू दिखा रहे हैं इस्लामाबाद की रोड का, और 1 से 2 मिनट के आगे अंदर अंदर आपको सामने फैसल मस्जिद नजर आएगी। सामने हमारे लेफ्ट में सेंट डोरस मॉल है, अगर आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे तो हमारे लेफ्ट में सेंट डोरस मॉल है। चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पौधे भी बहुत ज्यादा हैं, दरख्त वगैरह। शेरी की तरफ कैमरा घुमाइएगा जी, शेरी की तरफ वीडियो चल रही है। शेरी गुस्से वाली कौन सी बात है यार, इसमें आप तो घुमा रहे हैं, थोड़ा सा चिल कर, चिल चिल आउट बॉय, आउट बेबी चिल आउट। हम आ चुके हैं फैसल मस्जिद में और शेरी भाई हमारे इस टाइम ये बैठे हुए हैं। आप इनकी शक्ल देखिए जरा, शेरी सामने तो हो यार, बाकी छोड़ बात की, बाकी बातें बात की है। इधर देख, ये हमारे हैं दूल्हे राजा। अच्छा भाई कुछ कहना चाहेंगे?
मैं तो कुछ नहीं कह रहा, ये मैंने दर्जन कट्ठे ले लिए। केलों की बात तो नहीं हो रही। बनानास, बनानास, शरी, एक एक सिर्फ कुछ एक लव सर, एक लव। अगर आपको एक लव्स में कोई डिफाइन करना हो हमें या इस ट्रिप के वाले से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? शेरी बोल यार, नहीं अपलोड करते हम। शेरी, शेरी आगे लाहौर जाना है? मुझे अपने घर जाना है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लड़का इतने जल्दी रो पड़ेगा, इसको रोना नहीं चाहिए था इतने जल्दी, लेकिन अभी सिर्फ दो बजे हैं और ये ऐसे रोने से रोने का हक हो गया, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको घर छोड़ के आते हैं। और भाई लोग यार, व्लॉग मेरा बहुत छोटा सा बन रहा है, और उसकी एक वजह ये भी है कि मैं गया हुआ था गाँव, और गाँव से डायरेक्ट आया मैं। जैसे ही मैं पहुँचा यहाँ पे, तो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त सैयद असद अली शाह बुखारी साहब, ये हमारे बीमार थे, इनको दो ट्रिप्स लगी हुई थी, वो जब कंप्लीट हुई हैं तो फिर हमने इनको उठाया, तो इनको लेके आए हैं। और इस टाइम सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जैसे ही कैमरा जाता है शेरी की तरफ, तो उसका मुंह पे ऐसे आ चला है जैसे हमने उसकी कुछ निकाल के भागे, और वो इस तरफ, और इस टाइम बहुत शर्मिंदा हो सही कर। लेकिन खैर यार, ब्लॉग छोटा है, शाम भी कुछ कहना चाहेंगे? सर हमने क्या कहना है, हमारा तो प्रोग्राम था गेमर ही जाने का। अच्छा, लेकिन शेरी भाई के हालात देख के ऐसे लग रहा है कि हम घर वापस पहुंचे टाइम से। आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्या वजह, क्या शेरी शेरी भाई, आप इसकी वजह डिफाइन कर, कोई एक वजह बता देगा तू? अभी हल्की सी मुस्कुराहट आई है भाई, अरे वापसी का रास्ता जो देख लिया, इसलिए मुस्कुराहट तो आएगी, लेकिन रास्ता को पता नहीं सीधा उधर भी जाता है। यहाँ से अगर हम लेफ्ट हो जाए तो मेन रोड मरी, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है, अगर ये मुस्कुराएंगे थोड़े से और तो हम इनको लेके जा सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास। आप कुछ कहना चाहेंगे शेरी सर? शेर अली एनजीओ साहब आगे से हटाइए, कौन सी बात हुई यार, वो तो है, इसलिए तो मेरे कजन से आते हुआ था। बताइए सर कुछ तासुरात, अपने इमोशंस। अच्छा मेरी शादी हुई ना, आप मुझे हमेशा 6 बजे ले जाइएगा, लेकिन शाम को। अच्छा बारात कैसी रही है यार तेरी, इसी वाले से बता दे बारात कैसी थी, कि मैं अटेंड नहीं कर सका, बता। कोई नाचा हमारी जगह पे या कोई नहीं? अरे तो भाई लोग हमारी जगह पे कोई भी नहीं नाचा, और बारात इसकी इसी तरह सूखे पे ही काम था। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वक्त हो चुका है तकरीबन 2:05, और हमें दो लड़के और मिलने के लिए आए हैं, चांद साहब, हमारे चांद साहब। चांद साहब कैसे हैं आप? ये इंतजार कर रहे थे जी होटल में बैठ के, ये शेरी भाई को मिलना है, दूल्हे भाई आए और ये इनको मिले, इनको मिले, और हमारे हमजा साहब आए। हमजा यार आप ब्लॉग में आ रहे हैं, हमजा हमजा कैसे हैं आप? इधर हमजा भाई कैसे हैं आप सर, कैसी चल रही है लाइफ? इसके हवाले से कुछ कहेंगे? ये देखिए, अब आप देखिए मुस्कुराहट देखिए, खाली इस चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, घर के पास आके ना, घर के पास आके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया इस लड़के के। तो नाज़रीन अभी इसको छोड़ते हैं घर पे, दो बंदों ने मिल लिए, मिल लिए जी आप लोगों ने, सही करके मिलिए, जरा दुख बांटिए, दुख बांटिए, इसने बहुत दुख किए हैं। 2 घंटे आप सर लीजिए, मैं कहता हूँ 3 घंटे लीजिए, निकालिए इसको यहाँ से बाहर, निकालिए निकालिए निकालिए, निकालो बाहर, निकालो ना, निकाल लो भिशा यार, 2 घंटे क्या, मैं कहता हूँ 3 घंटे भी रखो इसको पास। वो यार खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, सामा खोली। अजद खोल ना यार, अजद तेरा क्या फायदा, ओए तुसी परी साइड तू, आए दूसरी साइड से बाहर निकलो, जरा दूसरी साइड से बाहर निकलो सारे, सर पीछे कर जरा। ये देखिए जी, इस टाइम इस तरह ये आ गए हमारे शेर अली जंजुआ साहेब। क्या चाहता, क्या है चाहता, मेरे हाथ में चाबी है देखो। देखिए जी, ये इस टाइम दूल्हे भाई हमारे पीछे भागते हुए, कवर कीजिए सिर्फ यार 2 घंटे, मैं कहता हूँ बाइक पे लेके आओ इसको, नहीं हम बाइक पे छोड़ेंगे, नहीं बाइक करेंगे नहीं, वही आ रहे हैं ना, छोड़ के आएंगे ना तेरे घर। क्या कुछ कह रहे,
समीर साहब सर इस टाइम बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बंदा इस टाइम सिर्फ पढ़ने पे आ रहा है, बात है लेट हो रही है, मैसेज तो कोई नहीं आ रहा यार। असल में इशू ये है कि ये अपना वॉलेट अपनी हर चीज घर छोड़ गया, ये चीज ये, और ये इस वक्त हमें ये भी नहीं कह सकता कि मैं जा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हम जाएंगे तो ये सर हमने इसके साथ कहानी ऐसी की है, कुछ उठाने नहीं दिया इसको हमने, मशवरा किसने दिया था, चांद साहब ने, ये मशवरा हमारा चांद साहब का, और ये भाई समझेंगे नहीं लेकिन मशवरा ये चांद साहब का, इन्होंने कहा था करूँ चौक के तो ला जाओ मुड़ के वर्ण नहीं देना। शरी साहब आखिरी कुछ बोल, एक दो बोल। शेरी कुछ क्या तो सही यार, आवाज नहीं आ रही उस बार से शेरी। ये लड़का पता नहीं क्यों पानी फेंक रहा है यार, देखिए आप, मैं आपको खुद को दिखाता हूँ, ये पकड़िएगा, अब मुझे दिखाइए जरा, ये देखिए मेरा मतलब मेरा ये देखिए कमला हो गया लड़का, क्या है इसने मुझे पानी फेंका यार भाई, शेरी कुछ और फेंक रहे पानी जाने जी नाजरीन, ये हमारे शेर अली जंजुआ साहब जो कि घर की बेल बजा चुके हैं, पता नहीं घर वाले कुछ खोलते भी हैं कि नहीं, उसामा साहब ये पीछे जा रहे हैं, उसामा को पता नहीं घर पढ़ने भी देता है कि नहीं, उसामा तेरा इंतजार करिए, ये हैं जी शेरी की मामा ने दरवाजा खोला, नहीं शेरी की भाभी ने दरवाजा खोला है।